दीदी आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक नहीं किसी ने कराया है फिर भी जिन पोजेशन अगर हुआ है क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। अब देखो ये मैंने जैसे एक जिन सीरीज बनाई है जो हम इस चीज को कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट अभी तक हमने बात करी है कि जिन्स तांत्रिक लगाते हैं या किसी भी किसी ना इंसान का इसमें हाथ है। अब नेक्स्ट लेवल इसका यही है जो तुमने सवाल पूछा है कि देर आर पॉसिबिलिटीज, इनफैक्ट हायर पॉसिबिलिटीज जिनकी यही है कि डायरेक्टली भी कई बार तुम्हें है जिन किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है, जिन तुम्हें खुद चूज कर लेता है। अब तुम बोलोगे कैसे कैसा आंसर हुआ कि जिन हमें चूज कर लेता है, बट ये फैक्ट है। अब अगर इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को देती हूँ, जैसे अगर तुम्हें जैसे हम इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं, यू नो इट कैन बी ड्यू टू एनी थिंग, इट कैन बी तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद आ गई किसी को, तुम्हारा यू नो बॉडी अट्रैक्शन या जो भी कह लो एक फिजिकल अपेयरेंस पसंद में आ गया। सिमिलरली यही फीलिंग्स, यही जो इमोशंस हैं वो जिन में जिन्स में भी हैं। तो अगर जिनको तुम्हारी फॉर देट मैटर बॉडी पसंद आ गई या तुम्हारा यू नो तुम बस इन अ वे पसंद आ गए उस जिन को, चाहे वो फीमेल जिन हो चाहे वो मेल जिन हो, ओके, सो व्हाट्स गोना हैपन, डेफिनेटली दैट जिन वुड वॉन्ट कि अब मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे, या तो मैं इसकी लाइफ में एंटर करूँ या मेरी लाइफ में कैसे ये एंटर करे। अब ये ह्यूमन रेस से तुम्हें हटाना चाहेगा, तो दिस कैन बी अ सर्टन डेंजरस एस्पेक्ट ऑल्सो, बट मोस्टली क्या होता है कि जैसे लोग सोचते हैं सिटी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं हैं, सिटी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं। कितने केसेस हम लोग के पास आते हैं जिसमें जो ये नए नए घर बन रहे हैं, ओके, अब ऑफकोर्स शहरों में ज़मीनें इतनी कम हो गई हैं बट इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इवन फॉर दैट मैटर ग्रेवयार्ड्स एरियाज में बिल्डर्स पैसा देके फॉर दैट मैटर गलत लैंड्स पे भी कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कुछ लैंड जैसे बोलते हैं एनिमल्स के लिए थी वो भी ह्यूमंस ने ले ली हैं, कुछ लैंड्स जो एक जैसे जिन्स की फैमिलीज है वहाँ रह रही हैं, तुम्हें दिखेंगी तो है नहीं ऑब्वियसली, बट वहाँ पे उनकी खुद की फैमिलीज हैं। अब तुम वहाँ पे आए और तुमने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया, उस समय उन्होंने रिएक्ट नहीं भी किया बिकॉज एवरी जैसे हर एक ह्यूमन बींग अग्रेसिव नहीं होता या रिएक्टिव नहीं होता, ह्यूमन्स में नेचर होता है, जिन्स में भी नेचर होता है, लेकिन ऑफकोर्स उसको ये चीज़ भूला नहीं वो कि ये पर्टिकुलर फैमिली मेरी स्पेस लेके मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है या मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया गया है। तो फॉर एग्जांपल तुम घर लेने आए, तुमने घर बना लिया, अब तुमने उस घर को बंद करके रख दिया बहुत सालों तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम वहाँ सफाई कराने नहीं जाते हो, तुम वहाँ कभी खुद एक ह्यूमन एंट्रेंस उस जगह पे हो ही नहीं रही है। तो ऐसी ही जगहें जो हैं ये जिन्स ढूंढते हैं जहाँ पे कोई नहीं आता, जहाँ पे बहुत यू नो सफाई नहीं होती, डर्टी प्लेसेस जिन्स ढूंढते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस जिन्स ढूंढते हैं, और ये सबसे बेस्ट होता है फ्लैट्स में या तुमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली हो या तुमने लैंड ली हो ऐसी, तो उसमें जब उनकी वो एक जिसको बोलते हैं ना एक जगह उनकी बन गई है वो जगह, अब तुमने उसमें इंटरफेयर किया, फॉर एग्जाम्पल अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो तुम्हारी तरफ उसकी अट्रैक्शन हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी तो भी कोई अच्छी बात नहीं है ज़्यादा, कैसे अट्रैक्टेड फील ये करेंगे, तुमने कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगा हुआ है स्पेशली जो चमेली की खुशबू है जैस्मिन दैट वी टॉक अबाउट, ये बहुत ज़्यादा जिन्स को पसंद है स्पीशीज़ को, या जो इत्र होते हैं जिसमें जो टिपिकली मुस्लिम्स में लगाए जाते हैं वो इन्हें बहुत पसंद है। तो अगर तुमने कोई ऐसी परफ्यूम लगाया हुआ है जो इसको पसंद आ जाए वो तुम्हारे पीछे आ सकता है जिन, अपने आप ही आ सकता है, या फॉर दैट मैटर अब जैसे लड़कियां हैं कईयों के लंबे बाल होते हैं तभी बोलते हैं कि ज़्यादा बाल खोल के मत जाओ, मेल जिन्स को ये बहुत अट्रैक्शन है, जिन्स क्या सुपरनेचुरल एंटिटीज़ की ये सारी अट्रैक्शन मैं तुम लोग को बता रही हूँ, लॉन्ग हेयर हो गए, तुम्हारे गुड परफ्यूम्स हो गए, अब अगर बाई चांस तुम नहा रहे हो एंड अब ये तुम्हारी किस्मत की भी बात है भाई कि अगर तुम नेकेड बॉडीज इनको बहुत पसंद है जिन्स को, दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेकेड बॉडीज, इवन द फीमेल जिन्स फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मेल यू नो नेकेड बॉडीज। तो अब ये सब चीज़ें हो गई कि एक अट्रैक्शन लेवल की बातें हो गई। दूसरा पॉइंट है कि कभी तुम्हारे एंसेस्टर ने या कभी तुम्हारी फैमिली में से किसी ने भी फॉर दैट मैटर अगर जैसे मैंने बताया उनकी जगह छीन ली या एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट तुमने किसी भी तरीके से जिन का कभी मजाक उड़ाया हो फ्रेंड्स में बैठ के, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आए थे कि फ्रेंड्स आपस में एक साथ बैठे हुए हैं यू नो एंड बात कर रहे हैं और डिसरिस्पेक्ट हो रही है एक सुपरनेचुरल एंटिटी की,
तो कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो तुम्हें सबक सिखाना चाहती हैं ये रिवेंज फॉर्म में, तो फिर वो तुम्हें पजेस करती हैं कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी क्या पावर्स हैं, हमारी क्या एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपनी किताबों में लिखती हूँ दैट इवन इफ़ यू डू नॉट बिलीव, एक स्टेटमेंट हमेशा जाता है मेरा दैट इवन इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल एंटिटीज, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट इट, क्योंकि इतना तो हर कोई इंसान कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डिसरिस्पेक्ट करने से बहुत सी जो चीज़ें हैं तुम्हें पता भी नहीं है कौन वहाँ बैठा हुआ है, तुम्हें तो दिख नहीं रहा है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। अब लड़कियों का ये सीन है कि अगर फॉर दैट मैटर तुम्हें ये लगता है कि अब हमें हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, स्पेशली फॉर मेल जिन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ये आज नहीं तो ये कल ज़रूर होना ही होना है कि उसने तुम्हारी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करना है, एंड दिस हैपन्स मोस्टली इन द नाइट टाइम जब तुम सो जाते हो। सो देन जैसे एक ह्यूमन बींग दे हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू बॉडीज, सिमिलरली फोर्सफुली अ जिन हैज़ अ कैपेसिटी कि वो तुम्हारे साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है। और लड़कियां फिर कंप्लेन करती हैं कि हमारी आवाज़ उस समय नहीं निकल पाती है, एंड दिस इज़ समथिंग फोर्सफुली विच इज़ हैपनिंग। इस पर एक कहानी भी लिखी है उस किताब में, बहुत लोगों ने पढ़ी भी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि डायरेक्टली जिन पोजेस करके क्या क्या तुम्हारे साथ कर सकता है, वो सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकता है जो एक ह्यूमन बींग कर सकता है, और बहुत ही पावरफुल डिग्रीज पे कर सकता है। तो बहुत केयरफुल रहो, जैसे जैसे मैंने बोला कि इन चीज़ों को एक दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि ये ज़रूर अलर्ट रहो इस चीज़ से, और ऐसा मत सोचो कि अगर तंत्र नहीं हो रहा हमारे ऊपर तो हम पूरी लाइफ टाइम सेव हैं। नहीं, ये कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं या ये जो नेचर की एनर्जीज हैं ये सबके लिए बनी है, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, इसमें और भी स्पीशीज हैं जिनको रहने का हक है, यू नो। तो अपने में थोड़ा सा जो एरोगेंस है, कई बार मजाक में किसी भी तरीके से इन चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेल दैट्स अबाउट इट जिन पोजेशन। अब इसका जवाब मिल गया होगा कि नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि नहीं होता है कि कोई ह्यूमन बींग ही लगाए तभी और डायरेक्टली जिन नहीं लग सकता। डायरेक्टली जिन लगते हैं और बहुत पावरफुल तरीके से लगते हैं, और जेनरेशंस को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं जिन्स डायरेक्टली विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प। सो दैट्स अबाउट इट, नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा पॉइंट। दैट्स ऑल।